Hey guys, I'm Dipali Agarwal and welcome back to my YouTube channel for my scholars. Last video में हमने पढ़ा था कि हमारे पास कौन कौन से databases available हैं, इसके अलावा database की connectivity आपको कैसे करनी है with your Django project, ये चीज़ हमने सीखी थी. आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे database को create करेंगे, कैसे tables वहाँ पर create होंगे. तो इसके लिए हम लोग use करते हैं एक concept that is models. हमें मॉडल क्रिएट करने पड़ते हैं. मॉडल्स क्रिएट करके क्या होता है, आपके डेटाबेस में टेबल्स क्रिएट होती हैं एंड देन आप कैसे डेटा को जांगो की हेल्प से माइग्रेट करते हैं टू दी टेबल्स, ये चीज़ भी हम सीखेंगे. तो बेसिकली दो कॉन्सेप्ट आज हमें सीखने हैं, मॉडल्स एंड माइग्रेशन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे आप अपने जांगो प्रोजेक्ट में मेंशन करेंगे कि कौन सा डेटाबेस आप यूज़ करने वाले हैं, उसका यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ये सभी डिटेल्स हमने यहाँ पर लिखना सीखा था. तो अगर आपने वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके पहले उस वीडियो को देख लीजिए, तभी आपको ये चीज़ क्लियर होगी. नाउ बात आती है कि डेटाबेस को क्रिएट कैसे करना है, कि डेटाबेस में डेटा जाना होगा, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ हमें डेटा रखना होगा. तो सबसे पहले उसके लिए हमें क्या करनी होगी, टेबल्स क्रिएट करनी होगी. तो अब उस टेबल को क्रिएट कैसे करेंगे, तो टेबल्स को क्रिएट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम एक कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं, दैट इज़ मॉडल्स. मीन्स अगर आपको लेट सपोज डेटाबेस है, वहाँ पर एक प्रोडक्ट नाम की एक टेबल क्रिएट करनी है एंड ऑब्वियसली उस टेबल में कुछ कॉलम्स भी होंगे, उन कॉलम्स का कुछ टाइप भी होगा कि किस टाइप का डेटा वो रखेंगे, तो ये सब चीज़ हमें मेंशन करनी होगी. तो ये सब चीज़ हम कहाँ पर मेंशन करते हैं, मॉडल्स में. तो फर्स्ट वी विल हैव टू क्रिएट अ मॉडल. तो मैं क्या करती हूँ, हम इस ऐप वन पेज जो अभी तक हम काम कर रहे थे उसको नहीं छेड़ते हैं, हम लोग एक और ऐप बना लेते हैं. तो ऐप बनाने के लिए हमारे पास क्या कमांड होती थी, हम लिखते थे पाइथन मैनेज डॉट पी वाई स्टार्ट ऐप. लेट सपोज द नेम ऑफ द ऐप इज ऐप टू. ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास अब ये हेलो वर्ल्ड में दो ऐप्स आ गई हैं, ऐप वन एंड ऐप टू. तो हम ऐप टू के थ्रू मॉडल्स क्रिएट करेंगे, यानी कि टेबल क्रिएट करेंगे. तो देखिए यहाँ पर आप देखिए ऐप टू का अगर टैब को आप ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है मॉडल्स डॉट पी वाई का, ये आपके पास बाय डिफॉल्ट एक फाइल क्रिएट हुई होती है. तो यहाँ पर हम मेंशन करते हैं कि भाई हम अपने डेटाबेस में जो टेबल क्रिएट करनी है उस टेबल का नाम क्या होगा, कौन कौन से कॉलम्स होंगे एंड उन कॉलम्स में किस टाइप का डेटा रखा जाएगा. ठीक है, तो हम यहाँ पर अब मॉडल को क्रिएट करेंगे. तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं क्लास एंड नाउ द नेम ऑफ द टेबल, जो भी आप टेबल क्रिएट करना चाहते हैं. लेट सपोज आपको टेबल क्रिएट करनी है एम्प्लॉय के नेम से, ब्रैकेट में हम पास करेंगे मॉडल्स डॉट मॉडल क्लास. अब यहाँ पर हम मेंशन करेंगे कि इस टेबल में देखिए टेबल किस नाम की होगी, एम्प्लॉय नाम की. अब इस एम्प्लॉय नेम की टेबल में कौन कौन से कॉलम्स होंगे, तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली क्या होगा, उसका नेम होगा कुछ, इसके अलावा क्या होगा, उसका एड्रेस होगा, एड्रेस के अलावा और क्या हो सकता है, सैलरी उसकी होगी एंड इसके अलावा उसका हम रखेंगे स्टेटस. ठीक है, इसके अलावा और भी फील्ड्स हो सकते हैं बहुत सारे, मैं आपको जस्ट हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, हम सीख रहे हैं यहाँ पर मॉडल्स बनाना, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो. अब आती है नेम की बात, कि नेम एक कॉलम बन गया, अब हमें यहाँ पे मेंशन करना होगा कि नेम किस टाइप का डेटा कंटेन करेगा. तो उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पर मॉडल्स डॉट, यहाँ पर हम यूज़ करते हैं फील्ड्स का. तो हम लिखेंगे नेम कैसा होगा, ऑब्वियसली कैरेक्टर टाइप का डेटा रखेगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कैर फील्ड एंड ब्रैकेट में हम पास करेंगे द मैक्सिमम लेंथ, कि नेम की मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है, तो लेट सपोज 20. नेक्स्ट इज एड्रेस, एड्रेस भी हमारे पास किस टाइप का होगा, एड्रेस हमारे पास होगा अगेन कैरेक्टर टाइप का, कैर फील्ड हमने लिखा, एक मैक्सिमम लेंथ हम ले लेंगे यहाँ पर, मैक्स लेंथ इज इक्वल्स टू लेट सपोज 100. नेक्स्ट इज सैलरी, सैलरी आपकी इंटीजर में होगी तो हम यहाँ पे लेंगे इंटीजर फील्ड एंड स्टेटस, स्टेटस मैं चाहती हूँ कि वो इस टाइम पर जॉब पर है या नहीं है, इट मीन्स येस और नो की फॉर्म में आएगा ये. तो यहाँ पर हम लेंगे बुलियन फील्ड्स, बुलियन फील्ड टू टाइप का डेटा रखेगा, आइदर ट्रू और फॉल्स. तो ये हमारे पास क्रिएट हो गया एक मॉडल. ये मॉडल जब हम इसको माइग्रेट करेंगे, माइग्रेशन अभी मैं बताऊंगी, इट मीन्स जब ये डेटाबेस में जाएगा तो डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट हो जाएगी, टेबल का नाम होगा एम्प्लॉय एंड वहाँ पर कॉलम्स होंगे नेम, एड्रेस, सैलरी एंड स्टेटस एंड उनमें किस टाइप का डेटा रखा जा पाएगा, नेम में कैरेक्टर टाइप का डेटा जाएगा, एड्रेस में भी कैरेक्टर टाइप का डेटा जाएगा, सैलरी में एंड इंटीजर टाइप का एंड स्टेटस में बुलियन टाइप का. तो ये आ गया हमारे पास क्या, एक मॉडल.
तो मॉडल आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप में हमें मेंशन करना होगा अब इस ऐप टू को अपनी इंस्टॉल्ड ऐप में। इस सेटिंग्स डॉट पाई में आपको मिलेगा इंस्टॉल्ड ऐप्स का एक ऑप्शन। ये इंस्टॉल्ड ऐप में यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, एडमिन, ऑथेंटिकेशन, कंटेंट टाइप, सेशन, मैसेजेस एंड स्टैटिक फाइल्स। तो इन सब के लिए क्या होता है, डेटाबेस में ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट टेबल्स क्रिएट हुई हुई होती हैं इंस्टॉल्ड ऐप्स हैं क्योंकि। अब क्योंकि हमें क्या करना है, ऐप टू के लिए भी हमें टेबल बनानी है, तो हमें इस चीज़ को यहाँ पर मेंशन करना होगा। कैसे मेंशन करेंगे, हम लिखेंगे द नेम ऑफ द ऐप यानी कि ऐप टू डॉट ऐप्स डॉट। देखिए यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं, अब यहाँ पर हम बताएंगे एड्रेस ऑफ दिस फाइल। ऐप टू में आप देखें तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सभी में, जितने भी आप ऐप्स बनाएंगे सभी में बाय डिफ़ॉल्ट एक फाइल क्रिएट होगी ऐप्स के नाम से। तो देखिए ऐप्स में क्या है, एक क्लास यहाँ पर क्रिएट हुई है ऐप टू कॉन्फिग, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर सेटिंग्स डॉट पी वाई। ठीक है, इस चीज़ को हमें यहाँ पे मेंशन होगा, कॉमा के साथ हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। फिर से बताती हूँ, देखिए सबसे पहले हमने लिखा ऐप टू का नाम डॉट, ऐप टू में जो ऐप्स फाइल क्रिएट हुई है डॉट ऐप टू डॉट कॉन्फिग। एक तरीके से आपने इस क्लास का ऐप टू कॉन्फिग क्लास का यहाँ पर एड्रेस दिया है। ठीक है, सेकेंड हमारे पास अब ये हो गया हमें जो चेंजेस करने थे। नेक्स्ट अब हम अप्लाई करेंगे माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है, देखिए हमने यहाँ पर मॉडल क्रिएट कर दिया, हमने बता दिया कि भाई ये टेबल हमारे हमें चाहिए हमने डेटाबेस में, तो अब इस चीज़ को हमें माइग्रेट करना होगा टू डेटाबेस। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं माइग्रेशन, इट मींस वी आर माइग्रेटिंग आर मॉडल टू द डेटाबेस। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर ऐप टू में अगर आप देखें तो ऐप टू में यहाँ पर आपके पास एक माइग्रेशंस के नाम से एक फोल्डर है, ये भी बाय डिफॉल्ट फोल्डर क्रिएट हुआ हुआ होता है, और यहाँ पर एक फाइल है init.py के नाम से जो कि ब्लैंक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे जिसको हम कहते हैं माइग्रेशन फाइल। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक कमांड देते हैं, हम लिखेंगे पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस। देखिए अब क्या होगा यहाँ पे, अब देखें अगर आप तो माइग्रेशंस में अब एक फ़ाइल यहाँ पर क्रिएट हो गई है, दैट इज़ 0001 इनिशियल डॉट पी वाई फाइल। इसको मैं अगर ओपन करती हूँ तो देखिए हमने जो मॉडल क्रिएट किया था, मॉडल का नाम हमने क्या रखा था एम्प्लॉय, उसके लिए यहाँ पर एक माइग्रेशन फाइल क्रिएट हो गई है, एक मॉडल यहाँ पर क्रिएट हो गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखें तो हमने वहाँ पर चार फील्ड्स दिए थे, नेम, एड्रेस, सैलरी एंड स्टेटस, और यहाँ पर आई डी भी एक फील्ड बनकर आया है। ये क्या होता है, बाय डिफॉल्ट फील्ड क्रिएट होता है एंड ऑटो फील्ड होता है, इट मीन ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता रहता है, यानी कि 1, 2 आईडी जैसे जैसे आप डेटा उसमें एंटर करवाते जाते हैं आईडी की वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमारे पास माइग्रेशन फाइल भी आ गई है। माइग्रेशन फाइल जैसे ही हमारे पास आई है तो हम क्या करते हैं, पहले अपना सर्वर ओपन कर लेते हैं। ये पीजी एडमिन मैंने ओपन कर लिया है, यहाँ पे आप सर्वर में जाएं, DB1 में जाएं अगर आप इस टाइम पे। देखिए अभी हमारे पास इस नाम से कोई भी टेबल क्रिएट नहीं हुई हुई है। मैं देखिए यहाँ पर हम कैसे गए हैं, हम DB1 पे वर्क कर रहे थे, DB1 में आप देखें तो टेबल्स के नाम से एक ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ पर ये बाई डिफ़ॉल्ट टेबल्स क्रिएट हुई हुई हैं इंस्टॉल्ड ऐप के लिए। यहाँ पर एम्प्लॉय नाम से अभी कोई भी टेबल नहीं है जो कि हमें अभी क्रिएट करनी है। तो उसके लिए हम अब यहाँ पर एक फिर से कमांड देंगे, हम लिखेंगे मैनेज डॉट पी वाई SQL माइग्रेट नाउ द नेम ऑफ द ऐप दैट इज़ ऐप टू एंड द नेम ऑफ द माइग्रेशन फाइल दैट इज 0001 एंटर। लास्ट कमांड हम यहाँ पर देंगे माइग्रेशन के लिए, हम लिखेंगे पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट एंटर। चाहते हैं आप सर्वर पर चेक करते हैं डेटाबेस DB1 में। DB1 में आप जाएंगे स्कीमाज में, स्कीमाज में आपके पास ऑप्शन आएगा टेबल्स का, और टेबल्स को अगर आप ओपन करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर एम्प्लॉय नाम की एक टेबल यहाँ पर क्रिएट हो गई है। ठीक है, अब मैं अगर इसे ओपन करती हूँ तो व्यू में जाकर ऑल रोल्स, ये देखिए हमने यही सारे के सारे फील्ड्स बनाए थे, नेम, एड्रेस, सैलरी एंड स्टेटस, तो ये सब यहाँ पर आ गए हैं विद देयर फील्ड टाइप एंड आईडी जो एक बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर कॉलम क्रिएट हुआ था वो भी यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग मॉडल्स एंड माइग्रेशन कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको कि आप कैसे डेटा को ऐड करेंगे इन टेबल्स में।
ओके गाइस, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मेरी वीडियोज़ को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, गुड लक।